के संगे के कॉलेज में दिल भेजत रहलू लाभ वाला पेज में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्यों शेयर करें ये चीजें भी आपको मैं बताऊंगा कि ये बेटी जन्म से अंधी है, ये देख नहीं सकती है। और इसका ये जब इसके घर पे मैं आया तो ये इसका ये कहना है कि मैं भी सारे बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, अलग हो के नए को दिन जी अब कैसे तोहरा बिन, चुप कैसे के वाड़ी आके खोला बुकिना, शादी बाद हमारा के जाना बुकिना, पहले जैसे जान कह के मिला बुकिना। सोशल मीडिया पे आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो एक YouTube को चैलेंज होता है। ऐसे में अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे साथ मौजूद है एक माँ और एक बेटी। आपको बता दूं कि बेटी जन्म से अंधी है, 9 साल की उम्र है, और ये बेटी को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से ये सिंगिंग करती हैं और इनकी माँ भी सिंगिंग करती हैं। अब इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों शेयर करें ये चीज़ें भी आपको मैं बताऊँगा कि ये बेटी जन्म से अंधी है, ये देख नहीं सकती है। और इसका ये जब इसके घर पे मैं आया तो ये इसका ये कहना है कि मैं भी सारे बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपसे हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी इनसे थोड़ा इनकी मम्मी से बातचीत करेंगे और इस बच्ची से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये 9 साल की बिटिया है और ये भी दुनिया को देखना चाहती है और जानना और पहचानना भी चाहती है। क्या नाम हुआ आपका? देवांशी सिमरन। देवांशी और सिमरन, इसका दो नाम है। क्या नाम हुआ आपका? सीमा। सीमा, बच्ची की माँ है आप जी। ये बताइए ये बच्ची कब से ऐसा है, इसको है? जन्म से। जन्म से है, जन्म से ये बच्ची पैदा हुई तब से ये बच्ची देख नहीं सकती है और आप तब से लेकर इसको कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खा रही हैं। हाँ, कई हॉस्पिटल में दिखाया पर वहाँ से कुछ फायदा नहीं हुआ, सरकारी हॉस्पिटल से। फ़ायदा नहीं हुआ, कहीं कई जगह गए, सभी लोग का कुछ ना कुछ, अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पैसे की मांग करते होंगे जी। ये बताइए कहाँ दिखाई है आप बच्ची को? यहाँ पे भी दिखाए हैं, अहमदाबाद दिखाए हैं, कई हॉस्पिटल में दिखाए, पर वहाँ सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल भेजते हैं। कहाँ बोल रहे हैं जाने के लिए? हैदराबाद भेजते हैं, तो वहाँ 6-7 लाख खर्चा आएगा ऑपरेशन में। गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल होती है उसमें तमाम व्यवस्थाएं होती है। आए दिन ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते रहते हैं और मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक बेटी के लिए चैलेंज का विषय बना हुआ है। ये बेटी के पास पैसा नहीं है, एक माँ के पास पैसा नहीं है, माँ बेटी के लाचार एक माँ है, जिस तरीके से बेटी अपनी माँ एक बेटी को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पे इनसे काफ़ी पैसे मांगे जाते हैं और वहाँ पे भी इनका इलाज नहीं होता है, और पैसे मांगने के बावजूद भी इनसे ये कहा जाता है कि कहीं प्राइवेट अस्पताल में जाए, वहाँ पे इनका इलाज कराएं। कितना पैसा खर्चा आएगा? 6-7 लाख। 6-7 लाख रुपये आएगा। पैसे का कोई स्रोत है? कहाँ से पैसा आता है आपके पास? अभी तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं आता है, पैसा कहीं से आता नहीं है, तो कैसे आप लोगों का खर्चा चलता है? हम लोग यहाँ हैं अभी तो खर्चा चल रहा था। आप अपने कहाँ ससुराल में रहती हैं? मायके में। मायके में। मायके में है, मतलब आपके पिताजी जो हैं वही आप लोगों को मेंटेनेंस रखते हैं और जो भी खर्चा होता है वही देखते हैं। और ऐसे में अगर मैं बात करूं तो आपके पास कहीं से पैसे का कोई स्रोत नहीं है, पैसा कहीं से आता नहीं है और एक 9 साल की अंधी बिटिया को लेकर आप दर दर की ठोकरें खा रही हैं, तो क्या कहना चाहती हैं जो दर्शक हैं? हम सब लोग से यही कहना चाहते हैं, आप लोग हमारी मदद कीजिए, हमारी बिटिया भी देखना चाहती है, वो भी सिंगर बनना चाहती है। बिटिया सिंगर बनना चाहती है और आप भी सिंगिंग करती हैं जी। सिंगिंग करती हैं, कोई अभी मैं बात करूं तो इनकी मम्मी का ये कहना है कि हमारी बिटिया सिंगिंग करना चाहती है, पर ये आंखों से देख नहीं सकती है। फिलहाल इसमें अगर मैं बात करूं तो अगर कोई आंखों से देख नहीं सकता तो गाएगा क्या, पर ये बेटी कहीं ना कहीं कहीं से सीखी होगी या इसकी मम्मी सिंगिंग करती हैं, वो इनको सिखाए होंगी। अभी इनसे थोड़ा इनका गाना सुनेंगे और इनका आवाज़ हम सुनने का प्रयास करेंगे और आप लोगों के बीच में भी हम रखने का प्रयास करेंगे। ये गाना थोड़ा सुनाइए बेटा। थोड़ा सर ऊपर कर लीजिए। हाँ सुनाइए।
सुना ना बात सजनवा, मनात नहीं खे मनवा, का करी अब जाता नवा हो। दरता देखिले सपनवा, उट उटेला बदनवा, उरादार मनवा हो। दिलवा में चूटी खाली काटे लुए जान, ओ सुना सुना हमारे जान, तुरला दिल के अरमान हो। सुना सुना हमार जान, तुरला दिल के अरमान में हरी मिलल परस हमारा के चिन्ह बकिना। शादी बाद हमारा के जन बकिना, पहले जैसे जान कही के मिल बाकिना। शादी बाद हमारा के जन बाकिना, पहले जैसे जान कही के मिल बाकिना। सोना मरजानी हार मांगतानी, सोझा हम तोहरा से प्यार मांगतानी। नहीं चाही हमरा के रुपया जी, रुपया जी, छुट्टी लेके आजा हमर सैया जी, सैया जी, छुट्टी लेके आजा हमर सैया जी। हो एक संगे एक कॉलेज में दिल भेजत रहलू लाभ वाला पेज में, एक संगे एक कॉलेज में दिल भेजत रहलू लाभ वाला पेज में। अलग हो के ना एको दिन जियब कैसे तोहरा बिन, अलग हो के ना एको दिन जियब कैसे तोहरा बिन। चुप कैसे के वाड़िया के खोला बुकिना, शादी बाद हमारा के जाना बुकिना। पहले जैसे जान कह के मिल बुकिना, शादी बाद हमारा के जान बुकिना। पहले जैसे जान कह के मिल बुकिना। जिस तरीके से इनकी मम्मी का कहना है कि हमारी बिटिया सिंगिंग करना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है, फिलहाल आपने इसकी आवाज़ भी सुनी और ये इनकी मम्मी और ये साथ में मिलकर गाना गा रही थी। कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत अच्छी गीत थी और सुनने भी काफ़ी अच्छा लगा। आपसे एक निवेदन है कि बिटिया के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम दर्शकों के पास जाए और इस बिटिया का कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से इलाज हो सके और ये बिटिया भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को, समाज को, लोगों को, बच्चों को कहीं ना कहीं ये सबको देख सके। और ये बिटिया का आपके ऊपर एक आशीर्वाद बना रहेगा, अगर ऐसा किसी के साथ में होता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ हमेशा तमाम लोगों को खड़ा होना चाहिए। अभी इनकी थोड़ा मम्मी से हम इनका थोड़ा गाना सुनने का प्रयास करेंगे। आप भी गाना गाती हैं, कोई गाना सुनाइए आप। उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं हम, उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। फिलहाल आपने गाना सुना है, इनकी मम्मी भी सिंगिंग करती हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंदी सॉन्ग को गाती हैं बहुत ही अच्छा लगता है। और हम निवेदन करेंगे कि इस बच्ची के लिए कुछ मदद मिले और यहाँ गांव देश के जो भी दर्शक हैं तमाम लोगों से हम निवेदन करेंगे कि बच्ची के लिए कुछ ना कुछ मदद करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ में और यहाँ के जो सांसद और विधायक, तमाम ऐसे जो नेता हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि इस बच्ची को ध्यान से देखें, क्योंकि ये बच्ची 9 साल की बच्ची है, इस बिटिया की आँख से दिखाई नहीं देता है। इस
माँ के पास इतना पैसा नहीं है इस बच्ची का इलाज कर सके। इस बच्ची के इलाज में 6 से 7 लाख रुपए का खर्च है। ये बच्ची इस बिटिया को लेकर, ये माँ इस बिटिया को लेकर कहीं दर दर की ठोकरें खा रही हैं। काफ़ी गवर्नमेंट अस्पतालों में गई हैं पर इनसे काफ़ी पैसे की मांग होती है। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी बेटी का इलाज कर सकें और ये बिटिया ये कहना चाहती है आप लोगों से हमारा जल्द से जल्द इलाज हो और हम भी दुनिया को देखें, बच्चों को देखें। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।